झील डल को इस घासफूस और खुद्र पौधों ने ढक लिया है, जिससे ये झील कम और घासफूस का मैदान ज्यादा नजर आ रहा है। हालांकि इस लिली और दीगर वीड को जड़ से उखाड़ने के लिए हर बरस लेक्स एंड वाटरवेज डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से न सिर्फ सफाई मुहिम चलाई जाती है बल्कि इस पर जरी कसीर भी खर्च किया जाता है, लेकिन अगले बरस फिर से डल का वही हाल हो जाता है। इस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए इस मरतबा झील की सफाई सुथराई के लिए इन जदीद मशीनों का सहारा लिया जा रहा है, जो कि इस लिली और वीड को मुकम्मल तौर पर उखाड़ फेंकने की सलाहियत रखती हैं और ये रिवायती तर्ज की मशीनों के मुकाबले में ज़्यादा मौसर और कारगर बताई जा रही है। लाउडा के वाइस चेयरमैन का कहना है कि ये मशीनें घास फूस और इन पौधों को मुकम्मल तौर जड़ से उखाड़ फेंकती है ताकि अगले बरस ये दोबारा न फैल सके। जो मशीनें हमने डिप्लॉय कर ली है, ये खास तौर पे जो हमारा लिली का है, जो हमारा 6 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया डल का है, वो इससे इन्फेस्ट हो चुका है। उस हवाले से हमने ये एडिशनल डिप्लॉयमेंट ऑफ मशीन्स की है ताकि ये इनको एक्सट्रैक्ट कर लें। इसके अलावा जो हमारी डिवीडिंग के लिए मशीनें चल रही हैं वो 4 है, और हार्वेस्टर्स जो हैं, और जो DMRC की एक मशीन है, वीड हार्वेस्टर्स है। इसका मकसद ये है कि जो ये पूरा एरिया है, क्योंकि लिली हम एक्सट्रैक्ट पूरा रूट से करते हैं ताकि ये आइंदा भी ग्रो ना हो और इससे जो डल है, डल का जो एरिया है उससे उसको निजात मिले। झील में लिली और बेतहाशा वीड उगाने की सबसे बड़ी वजह झील डल के एक बड़े हिस्से पर आबाद बस्तियों से निकलने वाला गंदा मवाद है, जो कि सीधे इसी की नज़र के लिए आता है। लेक्स एंड वाटरवेज डेवलपमेंट अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन बशीर अहमद भट्ट कहते हैं कि ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए रवा बरस एक मंसूबा तैयार किया जा रहा है, जिस पर जल्द ही काम शुरू किया जाएगा। कुछ एरियाज़ जो हैं, जो सिवर से कनेक्टेड नहीं हैं, उसके लिए एक UED के थ्रू एक प्रपोजल, मतलब हम एक STP 30 MLD का गुप्त गंगा में लगाएंगे, तो उससे वो वाला इशू कवर हो जाएगा। और जो ख़ासतौर पर जिस जो सिवर आ चुका है या जो भी लोड है न्यूट्रेंट लोड पे, जिससे उससे जो भी वीड ग्रो होती है, ये मशीनें जो हमने डिप्लॉय की है ये उसको साफ़ करने के लिए रखी गई है। इसके अलावा जो भी जैसे जो सॉलिड वेस्ट हैं, जो इसमें 50 या 65 या 60 हैमलेट्स हैं, उनका हम रिमूव करते हैं, वो हम कलेक्ट करते हैं, वो SMC के थ्रू हम रिमूव करते हैं। वो 1 से 1.5 टन पर डे का हमारा आउटगो होता है। फिलहाल तो हमने ये तो पहले फेज़ में हमने 4 और डिप्लॉय कर दिए हैं। इंशाल्लाह आइंदा 15-1 दिन में हम 4-5 और मशीनें डिप्लॉय कर देंगे। लिली का इशू रिजॉल्व हो जाएगा 1-2 साल के अंदर। जारी इस सफाई मुहिम से झील डल में रह रहे लोग काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। वही शिकारा और किश्ती वाले भी मुतमईन नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इन्हें अपनी किश्तियाँ और शिकारा चलाने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ताहम लोगों का कहना है कि मुतल्लिका महकमे को डल की सफाई मुहिम में सूरत ला कर मज़ीद मशीनों को काम पर लगाना चाहिए। यहाँ के लोकल हैबिटेंट्स हैं, लोड़ा का एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, डल लेक की जो सफाई हो रही है बहुत अच्छे से हो रही है, बट हम इससे मुद्दमाना गुजारिश करते हैं कि वो इसको ज़्यादा तेज़ी से करें, क्योंकि मतलब जो मशीन्स है वो और मशीन्स आए एल्स लोड़ा इज़ डूइंग अ वेरी गुड जॉब। कि जो हमें मतलब जो हम लोकल हैबिटेंट्स, हमें बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत हो रही थी, अब दिन ब दिन ये काम मतलब स्पीड अप हो रहा है। बाद में हम अपील करते हैं गवर्नमेंट से, VC साहब से, उससे पहले मौका कि उसको पता है ख़राब हो गया पूरा डल लेक, और 4-5 मशीनें और बढ़ावा। बाकी हमारा टूरिस्ट यहाँ ललित शिकारा स्टेशन है, यहाँ से टूरिस्ट जाते हैं, वो खुश हो रहा है कल से। बहुत दिक्कत है, हमें पता भी नहीं है, हमारे शिकारे चलाने को पता नहीं है कि हमें 4 टन जाना, इसका चलन किस तरह, पूरा ब्लॉक है, भी पूरा रोड ब्लॉक है। झीली डल को गंदगी और खलाजत से पाक व साफ रखने के लिए गुज़श्ता बरस अगरचे डल में मौजूद हाउस बोटों में एक ख़ास प्रोजेक्ट के तहत बायोडाइजेस्टर नस्ब करने का फैसला किया गया था, लेकिन इस पर अभी तक अमल दरामद नहीं हो पाया है। श्रीनगर से ETV भारत के लिए परवेज़ उद्दीन की रिपोर्ट।